गुड मॉर्निंग क्यूके को क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग क्यूके, ट्रीटी ट्रीटी चाहिए, ट्रीटी किसको चाहिए? शेक हैंड, हाई फाइव, ये बाबा ने। फ्लारू फ्लारू गुड मॉर्निंग, এসো মামা ট্রিটি দেবো, এসো, হ্যাঁ এসো এসো এসো, শেক হ্যান্ড করে দাও, শেক হ্যান্ড, শেক হ্যান্ড, ওই বাবালে এই হাতে, মামা রাইট হ্যান্ডে, হ্যাঁ ভালো করলে ওই হাতে, হ্যাঁ শেক হ্যান্ড, হাই ফাইভ, উলে বাবালে বাবালে, ওকে ইতনা শেক হ্যান্ড অ্যান্ড হাই ফাইভ হো রা হ্যায় ইসকে লিয়ে। সুবহ উঠকে সুসু করনে কে বাদ ক্যা মিল গয়া হ্যায় দোনো কো, ট্রিটু ট্রিটু, টু गुड गर्ल। फ्लारू फ्लारू को थोड़ा तोड़ के देना पड़ता है, वो फुल नहीं खा पाती है, दो बार में खाती है ना। गुड गर्ल, हाँ बेटू तो बोझे बोझे खाओ, वन जल्दी जल्दी खा लो। मामा ये चीव करने के लिए नहीं, तुम्हारा ही ड्रेस है, दे दो। फ्लारू दाओ, दिए दाओ, अरे खुद के नाइट सूट के साथ कौन ऐसे करता है? हाँ हाँ तो दे दो, अपना नाइट सूट दे दो, जी तू मैं रख दू, अच्छे से रख दू, हाँ दे दो दे दो दे दो, नहीं दिए दाओ दिए दाओ, दीदी दिए दिए थे किंतु फ्लारी ने दे दिया, तुम दे दो। अरे ये क्यों 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 देखा, ए क्यों क्यों दे दो वो, अरे कहाँ जा रही है तू, ए क्यों क्यों, अभी फ्लारी भी आ गई है कि मेरा वाला भी दे दो, फिर मेरा वाला भी दे दो, ये दो क्या दाओ फ्लारी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू मॉमी एंड फ्लरी टेल। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन शायद दिवाली है या दिवाली ऑलरेडी हो गया है, सो हैप्पी काली पूजा एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आज मैं एकदम नींद से उठ के सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, अभी जस्ट 8:30 टाइम हुआ है और बच्चों को आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह उठने के बाद ये सब बदमाशी चलता है, खुद के नाइट सूट को लेके खेल रहे हैं, पूरे घर में भाग रही है उसको लेके, देखा डैडी के सामने बिल्कुल भोली बच्ची बन जाती है ना, ना, ना। ओ, छोड़ दो, 5 मिनट खेलने दो फिर दे, खुद ही दे देगी। सुबह थोड़ा सा खेलती है, हमें भी अच्छा लगता है देख के, लवली वेदर आउटसाइड, सुबह अभी बहुत अच्छा लगता है बालकनी में आना, बिल्कुल गर्मी नहीं है हमारा, मतलब बिना फैन के ही मैं इतने देर तक आप लोगों से बात कर रही थी और एक भी बूंद पसीना नहीं है। तो यहाँ पे नीचे पूरा चहल पहल शुरू हो गया है, ये देखिए ये जो पीछे गांव के लोग हैं वो सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं सुबह सुबह, और जो भी हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प्स है वो भी आते रहते हैं, तो सुबह सुबह इस रास्ते पे हलचल काफ़ी रहता है। इस बार दिवाली में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ डेकोरेशन कर नहीं रहे हैं घर में, क्योंकि दिवाली में हम लोग घर पे रहेंगे नहीं, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, क्योंकि ये वीडियो आप लोग जब देख रहे हो तब तक हम लोग शायद निकल गए हैं, पहुंच भी गए हैं, तो आपको आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप हो रहा है फ्लरी और कैरा के साथ, ऑफकोर्स क्योंकि फ्लरी कैरा को छोड़ के हम लोग कभी जाते नहीं। निपाजन को बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था, बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन बहुत डाउन था, अभी मेडिकेशंस लेके ठीक है। क्यों क्यों घूमी कहाँ जाएगा, के जाबे घूमी घूमी, के जाबे मामा बेड़ू, के बेड़ू जाबे, चलो तुम्हारा बैग दिखाई, घूमी घूमी जाने के लिए फ्लरी कैरा का बैग दिखाती हूँ, ए ये तो काल बैग, बाबली बैग लुक्स रियली क्यूट है, इस बार मैंने फ्लरी कैरा के लिए लिया है, तो होपफुली इसमें सब कुछ आ जाएगा। ए कियारा फ्लरी,
করো না কি আর আমার ভাল লাগছে না আর না আর না আর না বাস হো গিয়া হো গিয়া ইনাফ কিয়ারা अभी पिट्टी होगा अभी पिट्टी का टाइम है ठीक है अभी पिट्टी होना चाहिए क्यों ने बेना टट क्या रहा मुझे भी मार रही है ये देखो हाँ ले लो ले सकते हो तो वहां से ले लो दे दो क्या रहा नो नो मामा नो नो तुम भी बदमाश कम नहीं हो ठीक है ना तुम भी बदमाश हो बड़े बदमाश हो कियारा कियारा को आज क्या हो गया है सुबह सुबह हाँ इतना गुस्सा किस पे आ रहा है अपने ही बेड से अपना ही टॉवल निकाल के उसको च्यू कर रही है बैठ के मैं खा रही थी ब्रेकफास्ट ये है लेफ्ट ओवर खिचड़ी और लेफ्ट ओवर खिचड़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है जिस दिन आप बनाते हो उससे तो थोड़ा सा रह गया था तो हम लोग आज इसी से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्लरी और कियारा का ब्रेकफास्ट हो गया है ब्रेकफास्ट से जो एनर्जी मिली है उसको यहाँ पे बर्न कर रही है ये है कियारा का असली मेन ड्रीम रहने का राज है ना सबको पता चल गया छी 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 क्यों क्यों गुड इवनिंग गाइज फ्लारू से गुड इवनिंग एंड हैप्पी दिवाली से मामा फ्लरी इज वेटिंग फॉर आर फूड मैं आपको थोड़ी सी तैयार दिख रही हूँ क्योंकि हम लोग दोपहर को बाहर गए थे वी वेंट फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन वी वेंट टू गेट माई बर्थडे गिफ्ट और वो मैं आपको मेरे बर्थडे के टाइम ही दिखाऊंगी अभी नहीं और धनतेरस के लिए भी कुछ छोटा सा गिफ्ट लेना था तो इसलिए हम लोग बाहर गए थे यहाँ पे देखिए मैं सारे दिया रेडी कर रही हूँ जैसे सुबह बोल रही थी आज है भूत चतुर्दशी जो काली पूजा के पहले दिन होता है अगर समझाना चाहो तो दिस इज बंगाली हैलोवीन यू कैन से जो हम फॉलो करते हैं वो है कि घर के कोई भी कोना हम अंधेरा नहीं छोड़ते कोने में तो वहाँ पे हम लोग ऐसे तेल का दिया जलाते हैं सारे मिट्टी के दिए में तेल से हम इसको जलाएंगे और 14 दिया जलाना पड़ता है तो इस जो प्लेट है इसमें टोटल 14 दिया है और उसके साथ डोर पे जो हमारे एंट्रेंस के गेट है ये सब तो आजकल डार्क नहीं रहता है पैसेज में लाइट है बट फिर भी एंट्रेंस में दो देंगे और हमारी यूटिलिटी बालकनी में ये दो देंगे और बाकी ये हमारे मेन डोर में मेन डोर के दोनों साइड में पहले वो जलने दो फिर डालूंगी है ना तेल तो है ना तेल है काफ़ी है ठीक है मैं पहले ये बालकनी में डाल दूंगी और ये बालकनी में दूंगी तो बालकनी डोर को बंद कर देना पड़ेगा नहीं तो ये जो मेरे दो है जाएंगे एक्सप्लोर करने एक्चुअली प्लान था कि हम दिवाली में कुछ करेंगे अगर यहाँ पे रहते तो कुछ करते हैं लेकिन हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं इसलिए हमने कोई लाइटिंग डेकोरेशन ये सब कुछ नहीं किया सिर्फ दिए जलाएंगे और मोमबत्ती नहीं तो प्लान था मेरा एक्चुअली दिमाग में था कि आई विल हैव लाइट्स एंड ऑल एंड डेकोरेटेड बट कुछ और प्लान बन गया तो ठीक है अगले बार देख लेंगे कल सुबह सुबह हम लोग निकल भी जाएंगे तो आज ये सब जला के रात को उठा लूंगी धो नहीं सकूंगी वो वापस आके ही धोऊंगी अभी भी मेरे पास इतना सारा काम है मैं सोच रही हूँ कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में सुबह से एक मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला है दोपहर को लंच करके 15-20 मिनट्स बैठी थी फिर निकल गई बाहर और अभी आके ये करूँगी इसके बाद मुझे दो वीडियो एडिट करना है उसके बाद हाँ एक इस चैनल के लिए और एक बंगाली चैनल काम करना तुम अपने कपड़े ना सब निकाल के मेरे को दे देना हाँ हाँ वही करूँगा मैं पैकिंग करता रहूँ और पैकिंग मैंने अभी तक एक कुछ भी पैक नहीं किया है एक टी शर्ट भी पैक नहीं पैकिंग तुम कहाँ करती हो वही बट मैं लिस्ट बना के रखी हूँ कि कौन से दिन क्या पहनूंगी तो उस हिसाब से भी मैचिंग मैचिंग हो गया क्या पूरा हमेशा ऐसे होता है हम लोगों के साथ एक्चुअली ये मेरा बाहर पहनने वाला टी शर्ट था पता नहीं इसमें ये जो कलर है ये पूरे टी शर्ट पे लग गया फिर इसमें बाहर नहीं पहन पा रहा हूँ तो फिर अंदर ही पहन रहा हूँ घर पे अंदर मतलब घर पे दीपांजन को सारे कपड़े दे दूंगी दे के वो पैक करेगा उसका खुद का भी लेगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं करेंगे मतलब बहुत ज़्यादा लगेज हम नहीं करना चाहते हैं तो वही पैक कर लेगा और उसके बाद मैं एडिटिंग में बैठ जाऊंगी और तब तक ये दोनों का हो जाएगा डिनर ये दो बदमाश का इन दोनों का पैकिंग पूरा हो गया है मामा आ जाओ तुम्हारा पैकिंग दिखाओ जो हमारे पास बैंगलोर में था एक येलोइश कलर का
वो एक्चुअली बहुत पुराना भी हो गया था, बट वो भी बहुत हमको सर्विस दिया है ना, बहुत सर्विस दिया, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे हमारे पास उनके लिए कैरी करने के लिए कोई खास बैग नहीं था, तो ये चिड़ी पाने मंगवाया था अमेजन से, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप भी ले सकते हो। बहुत ही हैंडी है और बच्चों का सामान एकदम काफी स्पेस है, एक बार दिखा दो स्पेस है, बच्चों का सामान एकदम आ गया इसमें। जैसे इसके अंदर टॉवल, बोल, फूड, क्लोथ्स है, नीचे मेडिसिन सब आ गया है, पीपैड्स, हाँ पीपैड्स इस साइड में है, ओके मैं चार्ज है, यहाँ पे उनके टिश्यू, फिर पीपैड्स, साइड में पेस्ट, ब्रश, और इसमें भी एक हैंकी, उसके साथ भी और पीपैड्स और शैम्पू कंडीशनर, और शैम्पू और कंडीशनर का पूरा बॉटल ना लेके मैं ऐसे जो ट्रैवल बॉटल होते हैं उसमें पैक कर लेती हूँ। थोड़ा और डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा शैम्पू, ठीक है हाँ, तो ऐसे बॉटल मैं स्पेंसर से ली थी, आपको स्पेंसर कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में। कपड़े सब मेरे को दे दोगे तो मैं उसको पैकिंग में डाल दूंगा, ओके, और मैं भी अपना कपड़े पैकिंग करना शुरू कर दूंगा। डिनर करके वापस आई हूँ, और शाम को जब शूट की थी उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, पीछे यहाँ पे पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी बस लास्ट मिनट चीज़ें उठाना है, और फ्लरी कैरा का पैकिंग तो पहले ही हो गया था, यहाँ पे एक के बाद एक वीडियो एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, स्केड्यूल कर रही हूँ। जब मैं ट्रिप पर जा रही हूँ तब कोई व्लॉग मैं अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो उसमें भी ये सब करूँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें कैरी करना पड़ता है, तो वो नहीं करूँगी, इसलिए स्केड्यूल करके जा रही हूँ ताकि इसके बीच में भी आप लोगों को वीडियो मिले। और आज थोड़ा सा जा रहा है बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बट इसके बाद एक अच्छा ब्रेक मिलेगा, फिर फ्रेश हो जाऊँगी। और इसके साथ दिखा दूँ, बूम्बा हैज़ कम, क्योंकि बूम्बा भी कल हमारे साथ जा रहे हैं, तो वो भी अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट पहले, अभी 10:40 टाइम है, 10:30 को वो पहुंचा है। हम लोगों ने आज थोड़ा जल्दी डिनर कर लिया है क्योंकि दीपांजन को कल ड्राइव भी करना पड़ेगा, और दोपहर को आज लंच जल्दी की थी, तो अभी बूम्बा बोल रहा है कि वो और थोड़ा लेट डिनर करेगा, तो उसके बाद उसको डिनर दे के फिर हम लोग सो जाएंगे, वो खा लेगा फिर हम सो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट व्लॉग फ्लरी कैरा की ट्रिप का व्लॉग आने वाला है। मेक श्योर कि आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा वो ऑन है एंड ऑन फॉर ऑल वीडियोस है कि नहीं। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, मुझे नहीं पता है वीडियो कितना छोटा हुआ है कितना बड़ा हुआ है, बट अभी मेरे पास और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी मैं इसको ख़त्म करके एडिट करूँगी फिर ये अपलोड होगा। तो मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ, अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू विश टू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट येट। सो वन मोर टाइम हैप्पी काली पूजा एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एकदम हमारी ट्रिप डेस्टिनेशन से, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑसम, बाय बाय।